नमस्कार, मी अनिल जाधव, तुम्ही बघताय आपलं ॲग्रोवन। नवी तूर आता बाजारात यायला सुरुवात झाली आणि गेल्या काही दिवसांपासून तुरीचे भाव कमी झालेले आहेत। त्यातच सरकारने तूर आयात आणि खरेदीबाबतचे दोन महत्त्वाचे निर्णय घेतले। मग या दोन महत्त्वाच्या निर्णयाचा आपल्या तूर बाजारावर नेमका काय परिणाम होऊ शकतो, तुरीची विक्री कधीपासून आपल्याला फायदेशीर ठरू शकते आणि महत्त्वाचं म्हणजे तुरीचे बाजार कधीपासून तेजीत येऊ शकतात, म्हणजेच आपल्याला 10,000 भाव मिळण्याची शक्यता कधीपासून आहे, याच प्रश्नांची उत्तरं आज आपण जाणून घेणार आहोत। पण या प्रश्नांची उत्तरं आज मी देणार नाही, तर तूर बाजारातील जाणकार अभ्यासक दिनेश सोमानी देणार आहेत। चला तर मग आपण दिनेश सोमानी यांना कॉल करूयात। सर नमस्कार। नमस्कार। हां सर, आता गव्हर्नमेंटने दोन महत्वाचे डिसिजन घेतले। एक तर सरकार यंदा पहिल्यांदाच तुरीची बाजार भावानं खरेदी करणार आहे आणि दुसरं म्हणजे जे काही झिरो इम्पोर्ट ड्युटीवर इम्पोर्ट होती त्याला 1 वर्षाची मुदत वाढ दिली आहे, तर याचा नेमका एकत्रित परिणाम काय होऊ शकतो बाजारावर? नमस्कार अनिल, मी हिंदीमध्ये तुम्हाला उत्तर देणार। येस, मला जे जे माझी जो मेरा एनालिसिस है वो ये कहता है कि गवर्नमेंट ये जानती है कि इस बार हमारे यहाँ सोइंग तुअर की कम हुई है और बीच में जो बरसातें हुई है उससे फसल को काफी नुकसान हुआ है, उससे यील्ड भी काफी कम हुई है। सेकेंडली, हमारे यहाँ कैरी फॉरवर्ड ऑलरेडी निग्लिजिबल थे पिछले साल, जो इस साल भी कैरी फॉरवर्ड बहुत ही कम रहने की संभावना है और इसी के चलते हमने तुअर के भाव पिछले बार 12,000 से 12,500 ऊपर में 13,000 के भी भाव देखे हैं। नॉर्मली हमारे यहाँ बर्मा या आसपास की जो कंट्रीज है, अफ्रीकन कंट्रीज, वहां से इम्पोर्ट हमारे यहाँ 7 या 7.5-8 लाख टन होता है। पिछले साल ये करीब करीब 9,30,000 टन हुआ है, मतलब बढ़कर आया है इम्पोर्ट हमारे यहाँ। इम्पोर्ट इसी के लिए आया है कि हमारे यहाँ प्राइजेस बहुत ज्यादा थी और मुझे लगता है गवर्नमेंट कहीं ना कहीं ये कॉशियस मोड ले रही है, जो एमएसपी के ऊपर जो खरीदारी कर रही है। मेरे जीवन में तो मैंने पहली बार ये देखा है कि गवर्नमेंट एमएसपी से बढ़कर अगर परचेसिंग करती है, इसका मतलब गवर्नमेंट निश्चित तौर से जानती है कि आने वाले समय में कहीं ना कहीं तक कुछ हद तक इस पल्सेस की कमोडिटीज में मुझे लगता है शॉर्टेज क्रिएट हो सकता है और उसी के चलिए एडवांस स्टेप गवर्नमेंट का मुझे नजर आता है। जी सर। सर अभी क्या मतलब आता इथे काही गवर्नमेंट खरेदी करणार आहे बाजार भावानं, तर त्याचा काही तुरीचा बाजार स्टेबल राहण्याला काही परिणाम, म्हणजे एक आधार मिळेल काही? आता जर आज मी बघतोय तर लातूरला जवळपास 10,000 कट्टे तुरीची आवक आहे। अरायवल्स हमारे इंडिया में जब आती है तो एक साथ सब जगह बढ़कर आती है और वो अरायवल्स का प्रेशर ही है जो मार्केट को अभी 9,000 रुपए 9,500 के आसपास बिक रही है मंडिया हमारी। ये अरायवल के प्रेशर में अगर गवर्नमेंट परचेस कर लेती है तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो है मार्केट रेट्स को भी स्टेबलाइज करने का एक पूरा पूरा कोशिश करेगी और मुझे लगता है कि राइट समय रहेगा। अगर गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है तो हो जाएगी और गवर्नमेंट को भी सफिशियंट गुड्स उसको स्टॉक करने के हिसाब से मिल जाएगा। ओके सर। सर इन फ्यूचर हम लोग क्या ट्रेंड देखने मिल सकता है? अभी फार्मर्स का माल तो हाथ में आ जाएगा, कुछ जगह पे आया भी है, तो फार्मर्स अभी वेट कर रहे हैं कि भाई राइट टाइम कौन सा है तुअर बेचने का। जी बिल्कुल, मैंने पिछले बार भी कहा था जब 7,500-7,000 तुअर के रेट थे, मैंने कहा था कि इसमें कैरी फॉरवर्ड बहुत कम है और जिस कमोडिटीज में भी कैरी फॉरवर्ड कम होते हैं उसमें तेजी की संभावना बहुत प्रबल और बहुत ज्यादा होती है। हमने देखा था कि 6,500-7,000 से तुअर बढ़कर 12,500 हुई थी, 12,500 से ये जो करेक्टिव फेज आया है 9,000 के आसपास का, मुझे लगता है 100-150 की और गुंजाइश मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है। जो अराइवल्स मार्केट को वेट कर रही है कि अराइवल्स कहाँ कंज्यूम हो सकती है, कुछ हद तक के मुझे लगता है कि 8,800 to 8,700 ये रेंज अगर अकोला रेट बिल्टी का भाव अगर आता है तो यहाँ पर ये दोबारा यहाँ से स्टेबलाइज होके मार्केट आने वाले समय में यहाँ से 9,000 से 9,595 से खेलकर दोबारा आने वाले साल में मुझे 12,000 की ओर बचता है। तो अगर किसान है तो मुझे लगता है कि इस रेट में निश्चित तरह से उन्होंने होल्ड करना चाहिए, बेचने की जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, जितनी जरूरत है उतना ही माल अभी निकाल सकते हैं। अगर उनकी कैपेसिटी होल्ड करने की है तो आने वाले 3 महीने जरूर होल्ड करें, मार्च के बाद प्राइस में वृद्धि हमें जरूर देखने को मिलेगी। और सर गवर्नमेंट का दूसरा स्टेप है कि गवर्नमेंट खुद दाल बनाकर बेच रहे हैं मार्केट में, तो आने वाले ये गवर्नमेंट का इलेक्शन के लिए फंडा है या फिर गवर्नमेंट सचमुच में जो कस्टमर है उसको राहत देना चाहती है और उसका इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है मार्केट में आने वाले दिनों में? जी, गवर्नमेंट स्टॉक इस हिसाब से कर रही है, कोई भी चीज अगर वो चना भी नाफेड के थ्रू अगर खरीदती है, कोई भी कमोडिटी अगर खरीदती है तो उनका लक्ष्य एक होता है कि प्राइसेज जब एबनॉर्मली बढ़ जाते हैं तो सप्लाई देकर मार्केट को कूल ऑफ करने का उनका उद्देश्य होता है। सेकेंडली होता है कि वो जो फ्री स्कीम्स होती है उसमें वो डिस्ट्रीब्यूट करे, तो ये दो मेजर स्कीम होती है जो गवर्नमेंट की, जो प्राइस स्टेबलाइज करने के लिए या अंडर प्रिविलेज को एक कॉस्ट में देने के हिसाब से, ये दो ही उनके उद्देश्य होते हैं मेजर। जी सर। सर लास्ट क्वेश्चन ये है कि आप फार्मर्स को क्या सलाह देना चाहेंगे इस साल तुअर उत्पादक को? जी बिल्कुल, मैंने कहा कि ये साल भी आपके लिए पिछले साल से और भी बेहतरीन साबित हो सकता है, ऑलरेडी प्राइसेस ऊपर के लेवल पर है,
लास्ट टाइम जब अराइवल्स आई थी तो हमारे हमने प्राइजेस देखी थी कि 65 to 7,000 की रेंज थी, इस बार जो प्राइजेस है 9,000 है। आपके जरूरत के मुताबिक आप थोड़ा सा यहाँ पर बेच सकते हो, और अगर आप होल्ड कर सकते हो तो मुझे लगता है कि मार्च के बाद तक प्राइजेस में अच्छी वृद्धि आपको देखने मिल सकती है। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। तर आपले जे काही तीन महत्त्वाचे प्रश्न होते की नेमकं यात सरकारच्या दोन धोरणांचा परिणाम काय होणार, तुरीचा बाजार कधीपासून वाढू शकतो आणि 10,000 भाव आपल्याला कधीपासून दिसू शकतो, या तीनही प्रश्नांची उत्तरं आपल्याला सोमानी सरांनी दिलेली आहेत। तसंच उद्या सायंकाळी 6 मार्केट कट्टामधून कॉटन असोसिएशन ऑफ इंडियाचे माजी अध्यक्ष महेश शारदा सर आपल्याला कापूस बाजाराविषयी माहिती देणार आहेत। 2024 कापूस बाजार कसा राहू शकतो, तसंच कापूस बाजारात कधीपासून सुधारणा होऊ शकते याविषयी सुद्धा ते मार्गदर्शन करणार आहेत। तसंच आपण जर ॲग्रोनला सबस्क्राईब केलं नसेल तर आत्ताच करून घ्या, आणि हा व्हिडिओ जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचण्यासाठी लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका।